तो हम एक छोटा सा मेमोरी गेम खेलें स्टूडेंट्स और डियर पेरेंट्स. तो बहुत सिंपल से गेम खेलते हैं. हम आपको सात वस्तु बताते हैं और ये सात वस्तुओं को आप याद करने की कोशिश करिए. नंबर वन जामुन, नंबर टू पतंग, नंबर थ्री आसमान, नंबर फोर्थ पंछियां, नंबर फिफ्थ फूलों का बगीचा, नंबर सिक्स एक छोटा सा बच्चा और नंबर सेवन तिलक. एक दिन हम सभी जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए, पर हम सब ने पतंग उड़ाया. पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया. आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे. पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में बैठे. फूलों के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके मस्तक पर तिलक था. ओके, तो हम कहानी को रिवाइंड करें. कौन से खेती में गए? क्या उड़ाया? पतंग. उड़ते उड़ते कहाँ टिका? आसमान. आसमान में कौन उड़ रहे थे? पंछियां. कहाँ पहुंचे? बगीचे में. कौन बैठा था? बच्चा. और बच्चे के मस्तक पर क्या था? नंबर वन जामुन, नंबर टू पतंग, नंबर थ्री आसमान, नंबर फोर्थ पंछियां, नंबर फिफ्थ, नंबर सिक्स, नंबर सेवन. सभी अपना हाथ ऐसे रखिए और अपने पीठ को थपथपाइए. शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी. ठीक है. अच्छा, तो आपको सात वस्तु तो याद हो गए. अब सात वस्तु को अगर आप याद कर सकते हो तो यू कैन बिकम एन इंजीनियर, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, यू कैन बिकम अ मैनेजर. लेकिन शालिनी मैम ने क्या कहा, हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज करें. राइट. अब कैसे हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे? ये जो सात वस्तु है ना, ये सात वस्तु मेरे अपने ओरिजिनल संस्कार के निकल गए. तो जितना हम ये ओरिजिनल संस्कार की स्मृति में रहेंगे, वो संस्कार हमारे जीवन में आते जाएंगे. तो अभी फिर से हम करते हैं और ये सात वस्तुओं को हम गुणों के साथ संबंध जोड़ते हैं. एक दिन हम सभी जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए और जामुन खाने के बाद हमें आनंद का अनुभव हुआ. तो जैसे ही मैं कहूंगा जामुन, आप कहेंगे मैं आनंद स्वरूप हूं. ठीक है. हाँ, जामुन आनंद स्वरूप. अरे भाई, चेहरे में थोड़ा आनंद तो आना चाहिए. कुछ लोग मैं आनंद स्वरूप, चेहरा देख के डर लग रहा है. थोड़ा मुस्कुराते बोलिए ना, आनंद स्वरूप चेहरे में आना चाहिए ना. फेस इज द इंडेक्स. आपका जो व्यक्तित्व है ना बच्चों, वो चेहरे से दिखाई देता. अच्छा, जामुन मैं आनंद स्वरूप हूँ. ठीक है. फिर हम सब ने पतंग उड़ाया. पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए. तो जब मैं पतंग कहूंगा तो आप लोग मुस्कुराते हुए कहेंगे मैं ज्ञान स्वरूप हूँ. पतंग, वेरी गुड. पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया. आसमान स्थिर, मैं शांत स्वरूप हूं. आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे. पंछियों का आपस में बहुत प्रेम था. तो जब मैं कहूंगा पंछी तो आप कहेंगे मैं प्रेम स्वरूप हूं. पंछियां, पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे. फूलों को देखकर हमें बहुत सुख का अनुभव हुआ. तो जब मैं कहूंगा फूलों का बगीचा तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे मैं सुख स्वरूप हूँ. फूलों का बगीचा, मैं सुख स्वरूप हूँ. वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके चेहरे में इतनी रूहानियत. तो जब मैं कहूँगा बच्चा तो आप कहेंगे मैं पवित्र स्वरूप हूँ. अच्छा, बच्चा, मैं पवित्र स्वरूप हूँ. उनके मस्तक पर तिलक था जो शक्ति का स्वरूप है. तो जब मैं कहूँगा तिलक तो आप कहेंगे शक्ति स्वरूप. राइट. तिलक, तो बच्चों ये जो सात गुणों को हमने बहुत अच्छी तरह से देखा. अब मैं कोई सा भी वस्तु बताऊंगा तो आप वो गुणों को बता सकते हैं और आपके चेहरे में भी वो आना चाहिए. ठीक है ना, वो पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. ठीक है, पेरेंट्स ऑल्सो. अच्छा बताइए, पतंग, हाँ कहो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ. ओके, फूलों का बगीचा, जामुन, तिलक, छोटा सा बच्चा, पंछियां, वेरी गुड.